अलग होना काफी दर्द भरा माहौल होता है, चाहे वह भाई दोस्त या प्यार से ही अलग होना हो, पर कभी कभी प्रगति के लिए अलग होना सही होता है। ऐसा ही एक डिसीजन अलग होने का झारखंड ने लिया था बिहार से, इस उम्मीद में झारखंड इतिहास में सक्सेस का नया पन्ना जोड़ेगा, अपने रिसोर्सेज के दम पर एक मॉडल राज्य बनेगा। पर क्या ऐसा हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास। इतिहास एक ऐसी चीज है जो हर इंसान को पता होना चाहिए, जिससे वो सीख ले सके। झारखंड के अलग होने की कहानी 6 फेजेस में डिवाइडेड है। लास्ट फेज में पॉलिटिक्स का नया रूप आप देखेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इन सारे पार्ट्स के बारे में जानकर आप बताएं कि क्या जिस एम के साथ अलग होने की कल्पना की गई थी वो हुआ है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करें। फर्स्ट फेज की शुरुआत 1912 में सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में डक्का स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा किया गया था। उस समय स्टूडेंट्स का डिमांड था बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज और जॉब अपॉर्चुनिटीज। पर सोचने की बात यह है कि आज भी स्टूडेंट्स की यही डिमांड है, तो झारखंड के स्टूडेंट्स को मिल नहीं पा रही है अलग होने के बाद भी। सेकेंड फेज की बात करें तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के लीडर्स 1928 में साइमन कमीशन से मिलते हैं और सेपरेट स्टेट की मांग रखते हैं, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय उनकी बात को नेगलेक्ट करती है। फिर 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा उड़ीसा को सेपरेट स्टेट का दर्जा मिलता है, तब झारखंड के लीडर्स में फिर से उम्मीद जाग उठती है। थर्ड फेज की बात करें तो सही में देखें तो झारखंड मूवमेंट की शुरुआत यहीं से हुई। 1938 में आदिवासी महासभा का फॉर्मेशन होता है, जिसके प्रेसिडेंट जयपाल सिंह मुंडा बनते हैं। इस फेज में मिलिटेंट मूवमेंट देखा गया था सेपरेट स्टेट की मांग को लेकर, जिसमें छोटा नागपुर और संथाल परगना को लेकर अलग राज्य की मांग की गई थी। इस फेज का मेन एम दीपू राज को हटाना था। इसका मतलब जो भी बाहर के लोग झारखंड में आकर यहां के लोगों का शोषण कर रहे थे, उनको यहां से भगाने का उद्देश्य था। फोर्थ फेज में आदिवासी महासभा ने 1950 जमशेदपुर सेशन में अपना नाम बदलकर झारखंड पार्टी रखा, जिसके बाद यह एक फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गए। जयपाल सिंह ने पार्टी का वर्चस्व बढ़ाने के लिए स्लोगन दिया, झारखंड अबुआ डाकू डीकू सोनाए, जिसका मतलब है झारखंड हमारा है, यहाँ के मूल निवासियों का बाहरी लोगों यहाँ रहकर झारखंड को लूट रहे हैं, उन्हें ये जगह छोड़कर जाना होगा। इस स्लोगन से जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड वासियों में नाम और वर्चस्व बढ़ गया और वो बड़े नेता के रूप में उभर के सामने आए। फिफ्थ फेस में झारखंड पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और यहीं से झारखंड पार्टी टुकड़ों में बट गई और पार्टी का धीरे धीरे अस्तित्व ही खत्म हो गया। अलग राज्य बनाने का सपना उस समय सपना ही रह गया। यही झारखंड की बदकिस्मती है कि केवल उस समय ही नहीं, आज तक गठबंधन सरकार से यहाँ कुछ भी काम समय पर नहीं हो पाया है, जिसका हर्जाना यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। अपनी असीमित खनिज भंडार के बावजूद झारखंड गरीबी में इंडिया में दूसरे रैंक पर है। आप कमेंट्स में बताएं इसका असली कारण क्या है और कौन लोग हैं इसकी वजह। सिक्स्थ फेज सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि झारखंड की मेजॉरिटी सारी पार्टीज जो अभी भी हैं, उनका उदय इसी समय हुआ। जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे सीबू सोरेन और बाबूलाल मरांडी ने बनाया, पर बाद में वो लोग अलग हो गए। आजसू, जो 1986 में गठित हुआ, सब पार्टीज का सपना एक ही था, अलग झारखंड राज्य, जिसके लिए काफी राजनीति भी हुई। 1991 के इलेक्शन में बीजेपी पहली बार अलग राज्य बनाने पर समर्थन की, पर अंत में गलत राजनीति इस सपने पर भारी पड़ती दिखाई देने लगी, क्योंकि उस समय बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव बिल्कुल भी झारखंड को अलग राज्य बनाने के पक्ष में नहीं थे। साल 1997 राजनीति के इतिहास में काफी भूचाल आया, क्योंकि उस समय के तत्कालीन सीएम लालू प्रसाद को चारा घोटाला में जेल हो गया। 1999 में बीजेपी की अलायंस पार्टी एनडीए सेंटर में रूल में आई और सारा सीन फिर से बदल गया। 14 में से 11 लोकसभा सीट बीजेपी झारखंड में जीत गई और अपने बात पर कायम रहते हुए बीजेपी ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में पास किया, जिसके बाद 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड राज्य बनाया गया। झारखंड के पहले सीएम बाबूलाल मरांडी और गवर्नर प्रभात कुमार बने। राज्य तो अलग बन गया और आज 23 साल भी हो गए हैं, पर क्या उस उद्देश्य के साथ बनाया गया था वो झारखंड को आज तक मिल पाया? गरीबी दूर हुई, नौकरी यहाँ के लोगों को मिल पाई, यहाँ के खनिज भंडार का फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है? ये सब सारे सवाल हैं जो आज भी जवाब मांगते हैं। सोचने की बात है, जिम्मेदार कौन है, नेता या उन्हें चुनने वाले आप और हम जैसे लोग, जिन्हें हर 5 साल में मौका तो मिलता है, पर क्या उसका फायदा उठाकर सही फैसला लेते हैं?
ये सवाल खुद से पूछिए और अगली बार इलेक्शन से पहले सही फैसला लीजिए। कमेंट्स में बताइए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं झारखंड के पीछे होने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।